जो भी एमएलए रहा है मुडावर से, इतिहास इस बात को कहता है कि वो हर बार सांसद बना है, चाहे घासीराम जी की बात हो, डॉक्टर जसवंत की बात हो, या हरिप्रसाद शर्मा की बात हो, राम सिंह यादव की बात हो। क्या ललित यादव उस इतिहास को बरकरार रख पाएंगे? जो दूसरे लोग आए हैं वो उनको आर आर कॉलेज का ही नहीं पता, ना उनके ये पता कि ग्राउंड कहाँ है। सुबह सुबह घूमने चले गए तो उन्हें खुद को ही नहीं पता, कहीं और कॉलेज के अंदर घुस गए। लोगों ने वहाँ भी कहा कि यार जब इसको कॉलेज के ग्राउंड का नहीं पता, ऐसे आदमी को जिताकर हम भेजेंगे तो हमारे किस काम आएगा। बसपा से फजल हुसैन ने दाव ठोक दी है, आप कितना प्रभावित मानते हो कि कितने वोट बैंक को कांग्रेस को प्रभावित कर सकती है बसपा? 5,000 वोट आखिरी वोट आएंगे, मेरी बात आज नोट कर लेना। अलवर लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होंगे और हमारे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव जी हैं, उनसे बात कर रहे थे। ललित जी, लगातार जनसमर्थन का दौरा कर रहे हो, किस तरह का जनसमर्थन मिल रहा है? देखो, जनता में बड़ा चाव है इस बात को लेकर के कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है और उनका अपना भाई लड़ रहा है, तो बहुत मजबूती के साथ लोग खड़े हैं मेरे साथ में। अभी आप देख रहे हो कितना उत्साह है लोगों के अंदर, फसल का टाइम होने के बाद भी मतलब इतनी बड़ी भीड़ आ रही उठ करके, तो ये इस बात का संकेत है कि चुनाव बहुत अच्छा है, लोगों में चाव है। जो भी एमएलए रहा है मुडावर से, इतिहास इस बात को कहता है कि वो हर बार सांसद बना है, चाहे घासीराम जी की बात हो, डॉक्टर जसवंत की बात हो, या हरिप्रसाद शर्मा की बात हो, राम सिंह यादव की बात हो। क्या ललित यादव उस इतिहास को बरकरार रख पाएंगे? देखो, ऐतिहासिक जीत अलवर जिले से, लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की हो रही है। मैं पूरे जिले में घूम करके आया हूँ, लोगों का मन बन गया, अपने आप लोगों का मन बनाया। और जो दूसरे लोग आए हैं वो उनको आर आर कॉलेज का ही नहीं पता, ना उनके ये पता कि ग्राउंड कहाँ है। सुबह सुबह घूमने चले गए तो उन्हें खुद को ही नहीं पता, कहीं और कॉलेज के अंदर घुस गए। तो लोगों ने वहाँ भी कहा कि यार जब इसको कॉलेज के ग्राउंड का ही नहीं पता, ऐसे आदमी को जिताकर हम भेजेंगे तो हमारे किस काम आएगा ये। तो जनता ने मन बना लिया, आज जनता इस बात को देख रही है कि कम से कम हमारा कोई व्यक्ति जाएगा जीत करके तो हमारी बात कहेगा, हमारी बात रखेगा वहाँ, हमारी बात सुनेगा, दुख तकलीफ हमारे शामिल रहेगा। तो डेफिनेटली बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हम लोग। बसपा से फजल हुसैन ने दाव ठोक दी है, आप कितना प्रभावित मानते हो कि कितने वोट बैंक को कांग्रेस को प्रभावित कर सकती है बसपा? 5,000 वोट आखिरी वोट आएंगे, मेरी बात आज नोट कर लेना। चुनाव कोई हराने के लिए लड़ता है, उसको कोई वोट देता नहीं है। मेरे यहाँ मुंडावर में जब मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो कई लोग पंख लगा कर आए थे मुझे हराने के लिए, लेकिन जनता ने 800-700 वोट दे करके उन्हें घर भेज दिया। अब जनता ने तय कर रखा है कि फजल हुसैन जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, बीजेपी कांग्रेस चुनाव लड़ रहे, जनता उनको कोई वोट नहीं देगी। एक अंतिम सवाल, बहरोड से विधायक रहे बलजीत यादव ने आपको समर्थन दे दिया है, उसका कितना प्रभाव मानते हो? बहरोड की राजनीति में संजय यादव भी आपके साथ है, वही आरसी यादव भी, लेकिन जो बड़ा जो चेहरा था डॉक्टर करण सिंह का, उसकी कहीं ना कहीं नाराजगी रही, उन्होंने पार्टी चेंज कर ली। बहरोड में हम लोग 40,000 वोटों से चुनाव जीत करके आएंगे, चाहे कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, कोई छोड़कर चला जाए, कोई आ जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे सब नेता एक साथ में हैं। बलजीत यादव जी हमारी सरकार का हिस्सा रहे, बहुत काम विकास के वहाँ करवाए हैं, और हमारे संजय यादव जी हैं, चाहे डॉक्टर आरसी जी हैं, हमारे तमाम नेता जो हैं वो हमारे साथ में लगे हुए हैं, और बहरोड से अच्छे मतों से हम चुनाव जीत करके आएंगे। जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अकेले व्यक्ति कोई कहीं जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव, जो कि लगातार जनसमर्थन कर रहे हैं। क्या 2014 के बाद में जिस तरह से भाजपा सरकार केंद्र में सत्ता बनाए हुए, क्या बरकरार रख पाएगी या नहीं? जिस तरह से राजस्थान में लगातार 25 की 25 सीटों के ऊपर भाजपा काबिज होती आई है, क्या वो रिकॉर्ड बरकरार रख पाएगी या नहीं, या फिर कांग्रेस कुछ सीटों के ऊपर बढ़त बढ़ाने में कामयाब होगी?